प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो जाए और मगन हो जाए। प्रेरितों का 10वां अध्याय उसका 44 पत्रस ये बातें कही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन की सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतने हुए विश्वासी पत्रस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उठने लग गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांदी भांदी की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना। एक कुरनेलियुस के घर की घटना है 10वें अध्याय में। कुरनेलियुस जब प्रार्थना कर रहा था, दोपहर को एक स्वर्गदूत उनको प्रकट होकर पत्रस के बारे में बताया कि पत्रस को बुलाओ, उनके प्रचार सुनो। उसी समय पत्रस को भी यीशु मसीह ने एक दर्शन में बात किया कि आप कुरनेलियुस की अन्य जातियों के पास सुसमाचार लेकर जाने के विषय में। पत्रस जो बाहर आ गया, कुरनेलियुस की वह उधर से भेजा हुआ लोग उनको बुलाने के लिए आया। कुरनेलियुस के घर में गया, कुरनेलियुस सारे बातें बताया कि ऐसे से मैंने देखा है, और पत्रस खड़े होकर प्रचार करना शुरू किया। पत्रस के प्रचार में इस प्रकार बोला कि यीशु मसीह सबका प्रभु है। यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य अभिषेक किया गया और बीमारों को चंगा करते हुए, दुष्टात्माओं को निकालते हुए सबको अच्छा करता हुआ फिरा, और यीशु मसीह क्रूस पर हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन मरे हुओं के बीच में से जी उठा। इस प्रकार पत्रस सुसमाचार को प्रचार कर ही रहे थे। उसके बाद प्रार्थना करने का समय तब प्रचारी कर रहा था सुसमाचार, उसी समय पवित्र आत्मा वचन सुनने वाला सबके ऊपर उतर के आया। पत्रस के साथ कुछ यहूदी लोग भी आए हुए थे, वो चकित हो गया क्योंकि वे पवित्र आत्मा से भरकर भिन्न भिन्न भाषा बोलना शुरू किया, अन्य अन्य भाषा बोलना शुरू किया, और पवित्र आत्मा से भर की एक बहुत बड़ा आत्मिक बेदारी कैसरिया में कुरनेलियुस के घर में यहाँ पे प्रभु की आत्मा शुरू करता है। पहली बार अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार, अन्य जातियों के बीच में पवित्र आत्मा का कार्य यहाँ पे शुरू हो रहा है। तब तक यहूदियों के बीच में ही बेदारी चल रहा था, लेकिन पहली बार कैसरिया में कुरनेलियुस के घर में अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार का प्रचार किया गया। प्रचार सुनने वाला लोग पवित्र आत्मा से भरकर भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगा और एक बहुत बड़ा आत्मिक बेदारी जो पूरा दुनिया में हर एक जातियों के बीच में चले गया, यहाँ पर कैसरिया में कुरनेलियुस के घर में शुरू होता है रिवाइवल टू द नेशंस। शुरू हो गया कैसरिया में एक कैसरिया का रिवाइवल। एक बहुत बड़ा बेदारी था जो पूरा पृथ्वी तक, पूरा दुनिया तक हर एक जातियों के पास पहुंच गया है। एक असाधारण रिवाइवल था। इंतजार करने वाला, प्रार्थना करने वाला कुछ लोगों के बीच में पवित्र आत्मा उतर के आया है। ऐसा पवित्र आत्मा की बेदारी, होली स्पिरिट रिवाइवल हम देखने जा रहा है। हम जहां भी प्रचार करेंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़े हो जाएंगे, वहां पे पवित्र आत्मा खुद उतर के आके प्रभु का अद्भुत कार्य को प्रकट करेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू, शालोम।